नमस्कार। क्लास 8 बोर्ड प्रिपरेशन मैथ्स पार्ट 1 के अंतर्गत पाठ रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं के प्रश्न और उत्तर हमने पूर्व के वीडियो में दिया था। बहुत सारे शिक्षकों और विद्यार्थियों ने इसका सॉल्यूशन मांगा है, अतः आज के इस वीडियो में मैं इन प्रश्नों का हिंट या कहें एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात व्युत्क्रम या इंग्लिश में कहें रेसिप्रोकल क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जानें कि गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल किसे कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी परिमेय संख्या का वह संख्या होता है जिससे उस संख्या को हम गुणा करें तो उसका उत्तर 1 यानी गुणात्मक तत्समक आए। तो 5 को हम किस संख्या से गुणा करें कि उसका उत्तर 1 आएगा। तो यह निश्चित रूप से ये होगा, क्योंकि 5 को अगर हम 1/5 से गुना करें तो ये हमारा ये 5 और 5 कैंसिल होगा तो ये 1 आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए, -8/7 इंटू 21/12 = 21/12 × ब्लैंक। इसमें क्या होगा, इस खाली स्थान में क्या होगा। तो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यह गुणा का क्रम विनिमय नियम है। तो यहां -8/7 और इंटू 21/12 है और ये बराबर में 21/12 है तो क्या नहीं है, तो यहां पर होना चाहिए क्या, -8/7 है ना। चूंकि ये क्रम विनिमय नियम हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं के गुणन में क्रम विनिमय नियम लागू होता है तो हमारा ये ए नंबर उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3, 13/25 भाग और खाली स्थान बराबर 13/5। तो ये खाली स्थान में क्या होगा ये हमें बताना है। तो आइए इसे हम हल करके देखते हैं। 13/25 भाग, अब इसे हम मान लेते हैं ये x है तो बराबर 13/5 या 13/25 और ये गुना 1/x = 13/5 या 13/25 और ये इधर हम लाते हैं 13/5 को तो ये हो जाएगा 5/13 और ये 1/x है तो इसको इधर लाते हैं तो ये हो गया x। तो ये देख रहे हैं 13 और 13 कैंसिल हो गया, 13 का 13 और ये 5 × 5 और 5/25 अर्थात x का हमारा मान आ गया 1/5। तो ये हमारा आंसर ये हो गया 1/5। क्वेश्चन नंबर 4 है, -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है अर्थात इनके बीच में कौन नहीं आएगा। तो ये जो ऑप्शन हम देख रहे हैं तो सीधे हम डी ऑप्शन पर आते हैं तो ये हमारा क्या होगा अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये -1/3। तो हम देख रहे हैं कि हमको -1/3 और 1/2 के बीच का चाहिए था लेकिन ये तो बीच का नहीं है तो यही हमारा आंसर होगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो ये हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत या अपरिमित या इन्फिनिटी होंगे अर्थात ये अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। प्र
प्रश्न संख्या 6, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। तो ये हम सभी जानते हैं कि अभी ऊपर के प्रश्न में भी हमने गुणात्मक प्रतिलोम में देखा था कि 7/23 को अगर हम 23/7 से गुना करें तो क्या आएगा। देखिए 23 एक 23 और ये 7 एक 7 7 एक 7 बराबर 1, अर्थात हमको किससे गुना करना होगा, 23/7 से। तो ये हमारा सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है 3/4 का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल यानी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम जानते हैं कि यहां जो 3/4 3 है अंश में और 4 है हर में, तो जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो अंश में 4 हो जाएगा और हर में 3 हो जाएगा, ये उलट जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4/3। देखिए ये अंश था 3, ये हर में आ गया और ये हर 4 था, ये अंश में आ गया। प्रश्न संख्या 8 ठीक प्रश्न संख्या 7 की तरह ही है, 7 के व्युत्क्रम, तो 7 का व्युत्क्रम हमारा 1/7 होगा। अब है 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या अर्थात इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा। तो अभी हम निकालते हैं इसका 1/2। अब इसके अंश को भी हम 2 से गुना करेंगे और हर को भी 2 से गुना करेंगे, दोनों को 2 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके मान में। तो ये हमारा हो जाएगा 2/4। तो देखिए ये वहां है हमारा 2/4 यहां, तो ये हमारा 1/2 का समतुल्य आ गया 2/4। 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए इस तरह के प्रश्न अभी हमने बनाए थे, अंश हर में चला जाता है और हर अंश में चला जाता है, तो ये हमारा 8/4 होगा। प्रश्न संख्या 11, 2/8 का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम उसे कहते हैं कि जिसे इस संख्या में अगर हम जोड़े तो उसका उत्तर आना चाहिए 0। तो 2/8 में हम क्या जोड़े, मान लीजिए x जोड़ते हैं तो उत्तर आता है आना क्या चाहिए 0। तो आइए निकालते हैं, तो x बराबर 0, ये 2/8 इधर आ जाएगा तो -2/8 अर्थात ये हो गया -2/8। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। योज्य प्रतिलोम जब भी निकालने के लिए आए तो हमेशा याद रखें कि जो भी परिमेय संख्या है उसका साइन सिर्फ बदल देना है, ये प्लस साइन वाला था तो ये इसका योज्य प्रतिलोम माइनस वाला हो गया, और अगर माइनस साइन वाला होगा तो उसका योज्य प्रतिलोम प्लस साइन वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 12, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हमने देखा था कि अंश हर में चला जाता है और हर अंश में चला जाता है और लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहां देख रहे हैं कि -13 यानी ये -13/1 है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो अंश यहां -13 है और हर 1 है, तो इसका जब हम गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो जैसा हमने कहा कि अंश हर में चला जाता है और हर अंश में, तो ये हो जाएगा -1/13। ये ट्रिक है निकालने का। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो ये हमारा 0 है, इसे याद रखना है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होते हैं, तो कौन से ऐसे संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो देखिए एक संख्या हमारा है 1, अगर इसका हम व्युत्क्रम निकालें, अभी हमने इससे पूर्व कुछ संख्याओं का निकाला था, तो ये 1/1 होगा यानी फिर ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से -1 का अगर व्युत्क्रम हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, -1/1 या ऐसे करें 1/-1,
तो ये फिर तो माइनस वन ही हो जा रहा है, अर्थात हमारा आंसर आ रहा है ये एक और माइनस एक। शून्य का व्युत्क्रम ये तो शून्य ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16 माइनस पांच का व्युत्क्रम है, तो इस तरह का भी प्रश्न हमने कई हल कर चुके हैं हम लोग, तो ये हमारा माइनस एक बटा पांच। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, क्या होता है, ये परिमेय संख्या ही होता है। क्वेश्चन नंबर 18 माइनस एक बटा दो से छोटी संख्या है, ये जो चार संख्याएं दी हुई हैं हमारा ऑप्शन में शून्य माइनस वन एक और दो, तो ये कौन सी संख्याएं होंगी जो माइनस एक बटा दो से छोटी होंगी। तो आइए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, ये एक संख्या रेखा हमने बनाया और ये हमने लिया शून्य और इधर हमने लिया ये हमने माइनस वन, इधर लिया एक और ये दो। तो अब माइनस एक बटा दो कहां पर आएगा, इधर आएगा, ये बीच में माइनस एक बटा दो। तो हम जानते हैं कि संख्या रेखा में जब दो संख्याओं की हम तुलना करते हैं जो बाईं ओर होता है वो छोटा होता है। तो यहां यहां देख रहे हैं कि शून्य एक दो ये दाहिनी ओर है, अर्थात माइनस एक बटा दो से ये सभी बड़ी हैं, तो छोटी कौन है, माइनस एक। एक बटा पांच में कितना हम जोड़ें कि फिर एक बटा पांच ही होगा, तो इसे हम योज तत्समक भी कहते हैं शून्य। क्वेश्चन नंबर 20 माइनस एक बटा छह जोड़ एक बटा छह, देखिए ये भी एक बटा छह है, ये भी एक बटा छह है, लेकिन दोनों का चिन्ह अलग है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और हमारा आंसर आ जाएगा शून्य। आशा है कि इन प्रश्नों का सॉल्यूशन या हिंट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसके आधार पर जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे आप उसे हल कर सकेंगे। धन्यवाद।